हाँ जी भाई जान, प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। हमने बहुत सारे इंडियन और हॉलीवुड सब जो है अदाकार हैं उनके गाने सुने, ठीक है। हमने सब के जो है मूवीज देखी, ठीक है, उनका कल्चर अडॉप्ट किया, ठीक है। उसके बावजूद क्या उन लोगों ने आपको वैल्यू दी? नहीं दी। आपने इंडियन गाने अपने दिलों में सजा लिए, ठीक है, क्या उसके बाद आपको वैल्यू मिली? नहीं मिली। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं है, ठीक है, इस्लाम में कुछ नहीं है। अगर आपके जहनों में ये बातें हैं कि मौलवी तो हम ही बोलते रहते हैं, तो आप ये देख लें कि आप जिनको फॉलो करते हैं ना, आप उनके लिए कुछ नहीं हो। तो जब आपकी जमाना कदर ना करें ना, तो आप अपनी जो रवायतें हो ना, आप उन पे आ जाओ, उनको मजबूत तरीके से पकड़ लो, ठीक है, और फिर उस पे मेहनत शुरू कर दो। यकीन करो, पूरा जमाना आपकी कदर भी करेगा, आपकी इज्जत करेगा, ठीक है। और सारे, जैसा कि एक जलसे में कहा था ना साद रिजवी ने, कि सारे जमाने की नेमतें आपके कदमों में ला के रख देंगे ये लोग। तो ऐसे ही होगा, ठीक है, ये सच्ची बात कह रहे हैं वो। आप छोड़ दें ये सारे ड्रामे, ये सारे जो है ना, मतलब इनके गाने शाने, जो हमारे दीन कहता है ना, आप उस पे चलें। यकीन करें, आप पूरी दुनिया का मरकज पहले ही है पाकिस्तान, ठीक है, और फिर ओरिजिनली मरकज बन जाएगा ऐसे लोगों का जिनको पूरी दुनिया में कहीं शिकस्त नहीं हो सकती। आपको मैं 100% दावे से कहता हूँ, ठीक है, आप अपने रास्ते पे चलें जो आपके हमारे दीन का रास्ता है, ठीक है, हमारे प्यारे नबी का बताया हुआ रास्ता, उस पे चल के देखें। यकीन करें, ये सारी दुनिया आपके पीछे चलेगी, लेकिन आप में इतने गट्स होने चाहिए कि पूरी दुनिया आपके पीछे चले, ठीक है। आज ये लोग कदर नहीं करते ना हमारी, ठीक है, तो कल ये हमारे पीछे होंगे, इनकी औलादें हमारे पीछे होंगी। तो भाई वो छोड़ दो गाने शाने, कुछ नहीं रखा इनमें, मूवीज में कुछ नहीं रखा। आप अपने, अब आपको लग रहा होगा कि मैं दाढ़ी छाड़ी रखी हुई है, ठीक है, मैं मौलवी टाइप बंदा हूँ, लेकिन यार मैं आपको बताऊँ, मैं आपकी तरह का बंदा हूँ, ठीक है। स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ और बचपन से ये रियलाइज होता रहा है कि जो क्या कहते हैं, हमें बताया जा रहा है ना मीडिया के थ्रू, वो कुछ और है, ठीक है, हकीकत में कुछ और है। मतलब ये कि कश्मीर को की आवाज़ ही बंद कर दी गई, ठीक है, जब से पीटीवी नीचे गया ना, तब से कश्मीर की आवाज़ बंद हो गई पाकिस्तान में से, ये मैं जानता हूँ। और ये वो जो जाहिल मीडिया है ना हमारा, ठीक है, जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, ये उसकी बदौलत हुआ है। इंडिया के ड्रामे चले, ठीक है, बाकी बाहर का मीडिया हमारे मीडिया में घुसा, ठीक है, उनके कुत्ते भी हमारे मुल्क में मशहूर हुए, लेकिन हमारी कुछ भी कोई बात पूरी दुनिया तक नहीं पहुंची। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप वापस आ जाएं अपने दीन की तरफ, छोड़ दें सब कुछ। यकीन करें, आपकी इज्जत इसी में ही है और कामयाबी भी इसी में ही है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।